नमस्कार, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के बीकानेर शहर के इतिहास के बारे में, बीकानेर शहर के राजघराने के इतिहास के बारे में। बीकानेर के इतिहास पर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन ये वीडियो बीकानेर रियासत के राजघराने के बारे में होगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे बीकानेर में कौन कौन से राजा हुए और उनका शासनकाल कितने समय तक रहा। बीकानेर रियासत की शुरुआत माँ करणी के आशीर्वाद से जोधपुर के राजा राव जोधा के बड़े बेटे राव बीका से होती है। बीकानेर शहर के सबसे पहले राजा खुद राव बीका रहे, जिनके नाम पर इस रियासत का नाम बीकानेर रखा। राव बीका का शासन 1465 से 1504 तक चला। उनके बाद राव नरसिंह, जिनका शासन 1504 से 1505 एक साल रहा। उनके बाद राव लूणकरण, जिनका शासन 1505 से 1526 तक। फिर राव जेत सिंह, 1526 से 1542 तक। और फिर राव कल्याणमल, 1542 से 1571 तक। 1571 तक के राजाओं को राव शब्द से संबोधित किया जाता था, उनके नाम के आगे राव लगता था, जैसे राव बीका और राव नरसिंह। लेकिन इसके बाद उन्हें राजा की उपाधि प्राप्त हुई, यानी इसके बाद के सभी राजाओं के नाम के आगे राजा ही लगता था। 1571 में राजा राय सिंह का राज शुरू हुआ, जो 1612 तक चला। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। राजा राय सिंह अकबर के यहाँ सूबेदार भी थे। उनके बाद राजा दलपत का राज शुरू हुआ, जो 1612 से 1613 एक साल चला, क्योंकि राजा दलपत को उनके भाई सूर सिंह ने मार दिया था और वो खुद राजा बन गए। फिर राजा सूर सिंह का राज 1613 से 1631 तक चला। फिर राजा करण सिंह, जिनका राज 1631 से 1667 तक चला। राजा करण सिंह को औरंगजेब ने किन्हीं कारणों से पद से हटा दिया। इसके बाद बीकानेर 2 साल तक 1667 से 1669 तक अराजकता में रहा, यानी यहाँ किसी राजा का राज्य नहीं था। इसके बाद राजाओं को महाराजा कहा जाने लगा। 1669 में फिर महाराजा अनूप सिंह का राज शुरू हुआ, जो 1698 तक चला। फिर महाराजा स्वरूप सिंह 1698 से 1700 तक। इन सभी महाराजाओं का शासनकाल उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुआ। 1700 में महाराजा सुजान सिंह, जो 1735 तक चला। महाराजा जोरावर सिंह 1735 से 1746 तक। फिर महाराजा गज सिंह 1746 से 1787 तक। फिर महाराजा राज सिंह, जिनकी राजा बनने के एक माह के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। उनका शासनकाल 25 मार्च 1787 से 25 अप्रैल 1787 तक चला। फिर महाराजा प्रताप सिंह 25 अप्रैल 1787 से 9 अक्टूबर 1787 तक। इनकी भी 6 महीने में मृत्यु हो गई। फिर महाराजा सूरत सिंह 1787 से 1828 तक। फिर महाराजा रतन सिंह 1828 से 1851। महाराजा सरदार सिंह 1851 से 1872। महाराजा डूंगर सिंह 1872 से 1887। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943। फिर महाराजा सादुल सिंह 1943 से 1950। फिर महाराजा करणी सिंह 1950 से 1971 तक। यहाँ भारत में 1971 में राजतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र आ गया, और इसके साथ ही करणी सिंह जी से राजाओं द्वारा लिए जाने वाले कर की सारे अधिकार छीन लिए गए। भारत में लोकतंत्र कायम होने के साथ ही राजाओं के राज चले गए। अब राजा केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। इसी कड़ी में करणी सिंह जी 1971 से 1988 तक राजा रहे। फिर नरेंद्र सिंह जी 1988 से 2003 तक, और आज वर्तमान में राजा रवि राज सिंह बीकानेर के शासक हैं, जो कि सिर्फ नाम मात्र के हैं। इस तरह बीकानेर के राव बीका से आज राजा रवि राज सिंह तक कुल 25 राजा रहे। ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए।